पूर्व सांसद अतीक अहमद को बड़ी राहत मिली है। जी हां, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से अतीक अहमद को राहत मिली है। 13 नवंबर को व्यक्तिगत हाजिरी से अतीक को छूट मिली है। कोर्ट ने पहले 13 नवंबर को अतीक को तलब किया था। आरोपी को अपना पक्ष रखने का वैचारिक अधिकार है, कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने सुनवाई के लिए पत्रावली पेश करने के लिए कह दिया है। तो बड़ी राहत कही जा सकती है पूर्व सांसद अतीक अहमद को, ये बड़ी राहत कोर्ट से मिल चुकी है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर। सहयोगी मनीष पालीवाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है अतीक अहमद को राहत को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद को इलाहाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान ये कहा था कि उन्हें 13 नवंबर को जो उनके 2006 के एक मामले की सुनवाई होनी है, तो उसमें आरोप तय होना है। तो आरोप तय होने के दौरान जो आरोपी होता है उसको कोर्ट में रहना पड़ता है, तो इसलिए कोर्ट ने कहा था कि अतीक अहमद को 13 नवंबर को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में प्रस्तुत होना होगा, उन्हें पेश किया जाए, और उसके लिए बाकायदा गृह सचिव को भी लेटर जारी करने का निर्देश हुआ था एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा कि 13 नवंबर की सुनवाई पर अतीक अहमद की पेशी सुनिश्चित की जाए। लेकिन इस मामले में आज अतीक अहमद के वकीलों की तरफ से एमपी एमएलए कोर्ट में ये दलील दी गई कि अभी इस मामले में उनकी तरफ से पक्ष पूरी तरह से नहीं रखा जा सका है, लिहाजा अभी उन्हें पक्ष रखने का समय दिया जाए उसके, और इस दौरान अतीक अहमद की व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए, क्योंकि पक्ष रखने के लिए अतीक अहमद को गुजरात की जेल से बुलाना सही नहीं रहेगा। तो इसी पर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अतीक अहमद को राहत देते हुए अभी जब तक ये पूरा पक्ष नहीं रखा जाए तब तक के लिए उन्हें राहत दे दी है, व्यक्तिगत पेशी से उन्हें छूट दे दी है। तो ये अतीक अहमद के लिए राहत की खबर है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक बार अतीक अहमद ने दूसरे मामले में सुनवाई के लिए उनको 4 नवंबर को कोर्ट में आना था, जिसके लिए अतीक अहमद की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की मांग की गई थी। उसके लिए अतीक अहमद ने अपनी जान का खतरा बताते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने माना था और 4 नवंबर को होने वाली सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मंजूरी दे दी थी। लेकिन इसी बीच अतीक अहमद ने 13 नवंबर की सुनवाई के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे सोमवार को सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया था अतीक अहमद की उस अर्जी को कि इसमें क्योंकि आरोप तय होना था, तो कोर्ट ने उनकी व्यक्तिगत पेशी को सुनिश्चित किया था कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेश होना पड़ेगा। लेकिन आज उस मामले में अतीक अहमद के वकीलों की तरफ से ये तर्क दिया गया कि अभी उनका पक्ष नहीं रखा जा सका है पूरी तरह से, लिहाजा उन्हें पक्ष रखने तक का वक्त दिया जाए और इस दौरान अतीक अहमद को पेशी से छूट दी जाए। तो कोर्ट ने इस मांग को मान लिया है, तो फिलहाल अतीक अहमद को अब गुजरात की जेल से प्रयागराज पर सुनवाई के लिए नहीं लाया जाएगा। जी ठीक है, बिल्कुल। चलिए मनीष, अपडेट के लिए आपको बहुत शुक्रिया।